हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SSC यानी कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की तरफ से। JEE यानी जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है 2024 की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, अच्छे खासे नंबर ऑफ सीट पर वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप वहां पर चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि SSC में जूनियर इंजीनियर की न्यू वैकेंसी आई है। इसके लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 966 यानी कि 1000 के अप्रॉक्स सीट्स पे वैकेंसी होने वाली है। अप्लाई की जो डेट है फ्रेंड्स, 28 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन हो रहा है फॉर्म, और लास्ट डेट आपका 18 यानी 18 अप्रैल रहेगा। फ्रेंड्स देखिए, आपको ऑनलाइन कर देना है, और आपको पता है कि अभी SSC का न्यू ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किया गया है, तो जो पुराना रजिस्ट्रेशन था वो आपका नहीं काम करेगा। नए वेबसाइट पे जाके नए तरीके से OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिएगा, फिर आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। अब आपको बताते चलो कि ऑफिशियली आपका एग्ज़ाम डेट भी रिलीज कर दिया है, किस डेट को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 4 से 6 जून यानी 4, 5 और 6 जून को पेपर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने में फ़ी क्या लिया जाएगा। जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज़ लिया जाएगा। वहीं पर SC ST कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप और जो भी ऑल कैटेगरी फीमेल, उनसे कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एज की लिमिट क्या रहेगी। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि किस डेट से आपका एज कैलकुलेशन होगा। एज ऑन 1st of August 2024 मतलब 1 अगस्त 2024 के अनुसार मैक्सिमम एज 32 वर्ष होना चाहिए CPWD और CWC के लिए। देखिए, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए आपका मैक्सिमम एज 32 वर्ष होना चाहिए, और वहीं पर दूसरे जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके लिए आपका मैक्सिमम एज 30 वर्ष रहेगा। एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, OBC को 3 इयर्स का और SC ST को 5 इयर्स का। अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितने डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, किस किस ट्रेड का आपको बताऊंगी डिपार्टमेंट वाइज, और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, टोटल आपका 8 डिपार्टमेंट है। पहला हमारा डिपार्टमेंट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। इसमें आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही ट्रेड के लिए रहेगा। इसके लिए आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTEC रिलेटेड ट्रेड से या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए CPWD के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही ट्रेड से रहेगा। इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए आपको रिलेटेड ट्रेड में। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए भी आपका तीनों ट्रेड में वैकेंसी आया है, और इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से, ठीक है। फोर्थ है सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, इसमें आपका सिविल और मैकेनिकल का रहेगा। इंजीनियरिंग का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। फिफ्थ जो है आपका डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल का, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का रहेगा। डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड या फिर डिप्लोमा होना चाहिए विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। फिर आपका फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में तीनों ट्रेड है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। सेवेंथ है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, इसमें भी तीनों ट्रेड का रहेगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। डिग्री या फिर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष के एक्सपीरियंस के साथ। लास्ट जो आपका डिपार्टमेंट है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी तीनों ही ट्रेड का वैकेंसी है। इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। आई होप कि इतना सब आप समझ गए होंगे, क्वालिफिकेशन साथ ही साथ डिपार्टमेंट, ट्रेड, सब कुछ मैंने बता दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो सिलेक्शन है
सिर्फ और सिर्फ दो स्टेज के एग्जाम पे डिपेंडेबल होगा, पेपर वन एंड पेपर टू। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि पेपर वन एंड टू का क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम में। पेपर वन जो होगा फ्रेंड्स आपका ऑनलाइन होगा, इसमें आपको 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन 1 मार्क दिया जाएगा। समय 2 घंटे का होगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। विषय वाइज बात करी जाए तो रीजनिंग से होंगे 50 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न और आपका ट्रेड रिलेटेड जनरल इंजीनियरिंग से 100 क्वेश्चन। जिस ट्रेड से आपने डिग्री है डिप्लोमा कर रखा है उससे आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका पेपर वन का एग्जाम पैटर्न। जब आप इसमें क्वालिफाई करोगे तो पेपर टू कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर टू आपका जो होगा ना फ्रेंड्स वो ट्रेड रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। उसमें 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए, हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा। समय रहेगा 2 घंटे का और निगेटिव मार्किंग 1 होगा। विषय की बात करूँ तो जनरल इंजीनियरिंग से ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन, आपने जिस ट्रेड से इंजीनियरिंग किया है डिप्लोमा किया उसका प्रश्न रहेगा। और फ्रेंड्स इसमें क्वालिफाई करते हैं तब आपका क्या होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाती है। रही बात एग्जाम सेंटर की, तो एसएससी का तो आपको पता है कि आपके नियर बाय 3 सिटी चूज करना होता है, उसी में से किसी एक में आपका सेंटर होगा। आपका जो जॉब है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। जॉब करेंगे तो सैलरी क्या मिलेगी आइए बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये आपका ग्रुप बी का पोस्ट होता है, तो इसके लिए आपको 35,400 से शुरुआत होती है। आफ्टर पर्स अलाउंसेस आपकी सैलरी हो जाती है 1,12,400। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। आई होप इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मैंने, सारी कंफ्यूजन दूर कर दी हो आपकी। अब भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करिएगा, अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।